This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवार। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। और प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा कानूनी, आर्थिक और टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की भी राय चाहते हैं तो वो भी आप ndtv.com/property पर ले सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नज़र में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज क्या क्या है खास। दिल्ली सरकार के नए नियम के बाद फार्म हाउसेस के बढ़ने की उम्मीद, दाम हो सकते हैं कम। लेकिन क्या फार्म हाउसेस के कारण दिल्ली की सुविधाएं और ग्रीन इलाकों पर बोझ और नहीं बढ़ेगा? रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और सजाइए अपना बाथरूम ऐसे कि लिविंग रूम भी शर्मा जाए। दिल्ली की सरहद में फार्म हाउस होना यानी आपके स्टेटस और रुतबे पर लग गए चार चांद। लेकिन अब तक के कानून के मुताबिक फार्म हाउस बनाने के लिए करोड़ों रुपए की जमीन जुटानी पड़ती थी। अब कानून में थोड़ी ढिलाई होने जा रही है जिससे पहले के मुकाबले अब जमीन पर ज्यादा फार्म हाउस बन सकेंगे। इसका क्या असर पड़ेगा प्रॉपर्टी बाजार पर, ये जानने की कोशिश की ओइनतम ओझा सिन्हा ने। दिल्ली के फार्म हाउस में रहने का आपका सपना जल्द ही सच हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार के नए नियमों में 30 के FAR वाली एक एकड़ जमीन पर तीन घर बन सकते हैं, यानी करीब 13,000 वर्ग फुट में तीन घर बनाने की इजाजत है। इस नियम के लागू होने पर दिल्ली और आसपास फार्म हाउसेस की सप्लाई तेजी से बढ़ेगी, जिसके कारण दामों में भी कमी आ सकती है। यानी फार्म हाउस लेने का आपका सपना सच्चाई में बदल सकता है। जो बाकी आप लोकेलिटीज़ में देखते हैं वहाँ पे आपको 200 गज, 400 गज, 600 गज सब तरह के प्लॉट मिलेंगे। इन तरह के प्लॉट में सबसे छोटा प्लॉट जो है वो एक एकड़ का है, उससे बड़ा दो एकड़ का, तीन एकड़ का, इस तरह से आपको ये मिलेंगे। जिस तरह से बाकी रिहायशी इलाकों में आप एक 400 गज के प्लॉट के ऊपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर तीन फ्लैट बनाते थे, सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे आप चाहें तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तीन मकान बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर तीन अलग अलग कोठियाँ भी बना सकते हैं। नीति में हुई इस तब्दीली के बाद दक्षिणी दिल्ली के वेस्टर्न ग्रीन्स और पुष्पांजलि जैसे इलाकों में फार्म हाउसेज मिलने लगेंगे। हालांकि सड़क, पानी, बिजली और सीवर जैसी बुनियादी सहूलतें कब मिलेंगी इस पर अभी सवाल है, क्योंकि सरकारी एजेंसियां अभी यही तय नहीं कर पा रही कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के खाके को मंजूरी दें या इमारतों के नक्शे को। जो पहले लोग दो एकड़, ढाई एकड़ का फार्म हाउस खुद खरीदना चाह रहे थे, वो अब अपनी होल्डिंग्स छोटी करना चाह रहे हैं। और कई सप्लाई ऐसी है जो मार्केट में थी लेकिन अब डेवलपर्स के हाथ वो मिनी फार्म्स बना रहे हैं, तो इससे काफ़ी मिसमैच तो रहेगा। और पुराने तौर पे जो ढाई एकड़ के फार्म आसानी से मिल जाते थे वो अब मिलने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट अच्छी रहेगी और ज्यादातर कस्टमर का इंटरेस्ट जो फार्म हाउस की तरफ रहेगा वो ज्यादा होगा और मार्केट के लिए ये बेहतर होगा। जिन इलाकों में फार्म हाउसेस की मांग ज्यादा हो सकती है वो दक्षिणी दिल्ली के वेस्ट एंड ग्रीन्स और पुष्पांजलि इलाके हैं। ये NH 8, हाईवे अड्डे और गुड़गांव के नजदीक हैं। यहाँ जमीन के दाम लगभग 40 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। छतरपुर, घिटोरनी और सुल्तानपुर जैसे फार्म हाउसेस के पुराने इलाकों में भी अच्छा कारोबार होने के आसार हैं। यहाँ के दाम 20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हैं, जबकि बिजवासन के आसपास क्षेत्र से उत्तरी दिल्ली में प्रति एकड़ जमीन के दाम 2 करोड़ रुपए हैं। हालांकि नीति के इस बदलाव से कई लोगों को फायदा होगा, लेकिन चिंता ये भी है कि इससे दिल्ली की सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा। दिल्ली और उसके बाहरी इलाकों में वैसे ही 3,000 फार्म हाउसेज हैं और डर है कि नए फार्म हाउसेज से
सुविधाओं पर तो हद से ज्यादा दबाव बढ़ेगा ही, खरे इलाकों पर भी बुरा असर पड़ेगा। नई दिल्ली से ओनिता मोझा सिन्हा की रिपोर्ट, NDTV। तो चलिए और चर्चा करते हैं, हमारे साथ श्री रमेश मेनन है, डायरेक्टर सर्टिस रियल्टी लिमिटेड, और श्री प्रदीप शर्मा जो कि आर्किटेक्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रमेश, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, बताइए जो ये नई फार्मलैंड पॉलिसी आ रही है, इसके चलते जो नए छोटे छोटे साइज के फार्म हाउसेज अब दिल्ली में अवेलेबल होंगे, उससे किस प्रकार का एक चेंज आएगा दिल्ली, खासकर साउथ दिल्ली का जो एक प्रॉपर्टी बाजार है उसमें? देखिए, एक मूल बात यह है कि पॉलिसी आ चुकी है। पहले तो जो दिल्ली में एक टर्मिनोलॉजी थी फार्म हाउस की, उसके बाद में सरकार ने उसको कंट्री होम्स के नाम से एक नया आयाम देने की कोशिश की 2013 में, और फाइनली 2013 के सितंबर अक्टूबर में लो डेंसिटी रेजिडेंशियल प्लॉट्स के नाम पे पॉलिसी रिलीज़ कर दी। अब मार्च में ये हुआ है पिछले महीने कि उस पर जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उसको मुकर्रर कर दिया सरकार ने। अब आप एक एकड़ में 3 रिहायशी मकान बना सकते हैं, तो इससे लाजमी है कि सप्लाई बढ़ जाती है। और अब दिल्ली में करीब करीब 11,000 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट की ज़मीनें हैं, उस पर रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनीज बन सकती हैं जो लग्जरी मार्केट के साथ कम्पीट करती हूँ। और रही बात साउथ दिल्ली की, साउथ दिल्ली में जो जो बिल्डर फ्लोर्स कहते हैं आमतौर पर जिन पर, उन पर थोड़ा स्ट्रेस है प्राइसेस का ऑलरेडी, पर इसका पॉजिटिव साइड ये है कि कई लोग ऐसे थे, एक तबका ऐसा था हमेशा जो फार्म हाउस या लो डेंसिटी प्लॉटेड डेवलपमेंट में रहना चाहते थे, उनके लिए बेहतर अफोर्डेबिलिटी हो गई है इसकी। जी प्रदीप, आपको क्या लगता है कि ये जो इलाके अब पनपेंगे, क्योंकि कई ऐसे फार्म हाउस का जो ज़मीन लेके जो ओनर्स हैं अब उसमें काट करके प्लॉट्स और छोटे फार्म हाउसेस बना के बेचेंगे, तो इसका कोई असर क्या वहाँ की सुविधाओं पर या कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नेगेटिव तौर पे पड़ सकता है या नहीं पड़ेगा? देखिए, इस समय जो मैं देख रहा हूँ कि जैसे रेड लाइट के ऊपर आके ट्रैफिक सारा खड़ा हो जाता है, दिस इज़ द लास्ट बॉटलनेक। ये एक लास्ट बॉटलनेक है। जिस दिन MCD ने नक्शे पास कर दिए, उस दिन समझिए यहाँ कहीं 500,000 नक्शे एकदम पास हो जाएंगे और एकदम से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई और परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी तरह की एनवायरनमेंट की या किसी पोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जब स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद देखना यह है कि सरकार हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, सीवर सर्विसेज को किस रफ्तार से मुहैया कराती है। अगर डेवलपमेंट बहुत तेज हुई और इन्होंने ये चीज़ें हमें मुहैया नहीं कराई तो हमें दिक्कत आ सकती है। बट बिकॉज ये एक हाई एंड प्रोडक्ट है, काफ़ी महंगे फार्म हाउसेज यहाँ पे बेचे जाएंगे, तो मुझे लगता है सब कुछ साथ के साथ हो ही जाएगा। तो रमेश, जो चलन था वो ये था कि फार्म हाउसेस का कल्चर तो था दिल्ली में, लेकिन अफोर्डेबिलिटी की वजह से काफ़ी लोग बिल्डर फ्लैट्स लेना ज़्यादा पसंद करते थे, बिल्डर फ्लोर, जैसे कि आप डिफेंस कॉलोनी की बात करें, नीति बाग, आनंद लोग जैसे प्रीमियम एड्रेसेस की बात करें, तो वहाँ पर जो ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस था वो बिल्डर फ्लोर का था। तो यदि इस प्रकार के छोटे फार्म हाउस ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे तो क्या उसका सीधा असर हम बिल्डर फ्लैट्स पे देखेंगे? देखिए, टिपिकली जो बिल्डर फ्लैट्स थे वो 8 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर के प्राइस टिकट पे होते थे, तो हाँ, थोड़ी ये लाजमी है कि उन पे थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर आएगा। पर फिर भी बात यह है कि जिन्होंने बिल्डर फ्लोर लेना है उन्होंने उनका रुख उसी तरफ होगा। पर आप केवल इसको साउथ दिल्ली के नज़र से ना देखें, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, यहाँ पे कभी फार्म हाउसेस का चलन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एक वो कल्चर नहीं बना, कभी किसी ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर ने वहाँ पे फार्म हाउसेस बनाए नहीं थे आज तक। पर वो अब चेंज होता है, जो इलाके रजौरी गार्डन, पंजाबी बाग, रोहिणी, पश्चिम विहार, उस साइड की जो 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 बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए अब ये फार्म हाउसेस का एक प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। तो केवल साउथ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के करीब 70 गांवों में फार्म हाउसेस की जो ये जो LDRP की पॉलिसी है वो लागू होती है। अभी जो हम एक कुछ पिछले एक साल में चलन देख रहे हैं, जिस तरह का दिल्ली में पॉलिसीज आ रही हैं, चाहे वो लैंड पूलिंग की रही हो, अब DDA ये भी सोच रहा है कि FAR रेजिडेंशियल में भी इंक्रीज कर दें, तो क्या आपको, और अब ये फार्म हाउस पॉलिसी भी हो गई, तो क्या आपको ये लग रहा है कि अब दिल्ली सरकार या DDA ने सोच लिया है कि दिल्ली में जो रिहाइश की प्रॉब्लम है, चाहे वो लो एंड हो या हाई एंड हो, उसको अब सुलझाना है, क्योंकि सारा अदरवाइज मार्केट जो था वो शिफ्ट कर रहा था गुड़गांव और NCR की तरफ?
जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो पीछे मास्टर प्लान का रिव्यू चला, पिछले एक साल से जो रिव्यू चल रहा था, उस रिव्यू में हर जगह पे आप देखें तो इन्होंने रेजिडेंशियल FAR, रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनीज, ये सब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई हैं। बढ़ाई क्या है, मुझे तो लग रहा है कि कहीं हमारी दिल्ली अब ख़त्म तो नहीं हो गई, क्योंकि यही ग्रीन एरियाज़ थे जो रह गए थे। अब आने वाला मास्टर प्लान हमारा हॉरिजॉन्टल वे में नहीं एक्ट कर पाएगा। जैसे आप और स्टेट्स में देखते हैं मास्टर प्लान, जैसे गुड़गांव में आता है तो गुड़गांव में और 400 हेक्टेयर 500 हेक्टेयर हर मास्टर प्लान में बढ़ा दिए जाते हैं। अब दिल्ली में तो और कोई जगह रही नहीं, क्योंकि सारी एग्रीकल्चरल लैंड अब इन्होंने LDR में ले आए हैं और बाकी जो बची हुई ज़मीन थी वो इन्होंने R जोन के अंदर सम्मिलित कर ली है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तो जो हमें मिलना था वो मिल चुका है हॉरिजॉन्टल वे में। अब तो FAR बड़ा करेंगे कि आज जहाँ पे 300 FAR है वहाँ 400 कीजिए, वहाँ 500 कीजिए। कल को हो सकता है हमारे जो लो डेंसिटी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इसमें भी FAR बढ़ने का चलन हो, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद। लेकिन हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट मुझे लगता नहीं कि अब कहीं पर भी बाकी है। तो रमेश, आपको क्या लगता है कि इस तरह की पॉलिसीज लाना चाहिए, फार्म हाउस जो कि पहले हरे भरे खुले मैदान के साथ और कुछ क्यारियों के साथ छोटे छोटे मकान होते थे हाइट रिस्ट्रिक्शन के साथ, ऐसे हटा देना उनको, आपको लगता है कि अब दिल्ली की सरकार की मजबूरी हो गई है कि आप अपने जो बाशिंदे हैं उनके लिए रिहाइश के कुछ तो ऑप्शंस दें? बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है। दिल्ली जो है 1483 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर पहले ही डेवलप हो चुका है। तो कुल बचा के अगर आप देखें तो 600 स्क्वायर किलोमीटर या 65,000 हेक्टेयर ही है हमारे पास। और दिल्ली में अमूमन साल में, ये तो आंकड़ा सरकारी है, कि करीब 75,000 फैमिलीज़ वेस्टर्न यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से माइग्रेट करती हैं। तो हर साल हमारे को कम से कम नहीं तो 75 से 1 लाख मकान बनाने पड़ेंगे। तो ये जो पॉलिसी जो इस दिशा में सरकार लेके आ रही है मेरी नज़र में ठीक है। और आप ये भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो एक तबका है जो अफोर्ड कर सकते हैं 5 करोड़, 10 करोड़ और 15 करोड़ के मकान, उनके लिए एक ऑप्शन ये फार्म हाउस की पॉलिसीज़ की तरह आ चुका है। लेकिन रमेश, ये बताइए कि बिल्डर होने के नज़रिए से यदि इतनी सारी डिमांड आ रही है शहर में, और अगर आप छोटे यूनिट बना के हाई राइज बना के उस लैंड पे अगर आप बेचते हैं तो वहाँ ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं या फार्म हाउस काट के आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, दोनों की अपनी अपनी मार्केट है। अगर आप हाई राइज की बात करते हैं उसमें 400 के FAR सरकार ने घोषित कर दिया है, पर उसमें हाई डेंसिटी डेवलपमेंट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है अगर आप उसको बेचना चाहें। जबकि फार्म हाउस की जो पॉलिसी है वो लो डेंसिटी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, तो उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 125 लोगों की आबादी होगी। इस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्रिटिकल नहीं है बनिस्पत आर जोन की डेवलपमेंट। रही बात मुनाफे की, मुनाफा अगर आप 7 साल के मियाद में देखेंगे तो वो हर डेवलपर का अपना नीश बनता है, वो अपनी कैलकुलेशन खुद करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में आपकी कैश फ्लो बेहतर होती है तो आप जल्दी बाहर निकल सकते हैं। जी, बस एक और आखिरी सवाल में रमेश से ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने 11,000 हेक्टेयर की बात की जो ग्रीन बेल्ट में आता है जो कि खुल जाएगा, क्या उस पर कोई भी एनवायरमेंटल अप्रूवल लेने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी? सारा का सारा इलाका खुले तौर पर डेवलपर्स के पास अवेलेबल होगा अब फार्म हाउस पॉलिसी के अंडर? नहीं, ऐसा नहीं है। 11,000 हेक्टेयर अप्रॉक्सीमेटली 11,000 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट और फॉरेस्ट और ये सब मिला के है। तो जो एनवायरमेंटली क्लियरेंस हमारे को नहीं चाहिए जब हम फार्म या LDRP पॉलिसी के तहत जब अप्रूवल लेने जाते हैं फॉर अ प्लॉटेड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैंकेट वो हो कि हमें किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। MCD ने अपने लिस्ट बता दिए कि क्या क्या हमारे एज ए डेवलपर हमारे को कागजात सबमिट करने हैं, उनके तहत एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है फॉर लो डेंसिटी प्लॉटेड डेवलपमेंट। जी, यहाँ प्रदीप, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या जो हाई एंड बिग टिकट साइज का जो मार्केट है उसमें किस तरह की हलचल अब आ जाएगी? इस समय तो मेरे हिसाब से काफ़ी हलचल है। सिर्फ एक ये क्लैरिटी मैं दोबारा लाना चाहता हूँ कि ये कोई फार्म हाउस की नई पॉलिसी नहीं है। फार्म हाउस की एक पॉलिसी थी जो सरकार ने ख़त्म कर दी है, और इन सब ग्रीन एरियाज़ में और कुछ और 23 विलेजेस ऐसे हैं जिसके अंदर ये नई लो डेंसिटी रेजिडेंशियल प्लॉटेड स्कीम आई है। तो ये सीधा सीधा जो हमारे प्लॉटेड हाई मार्केट एरियाज़ हैं जैसे शांति निकेतन, पंचशील मार्ग, जोरबाग, गोल्फ लिंक्स,
वसंत विहार सीधा सीधा इसको टक्कर देता है। दीज आर रेजिडेंशियल प्लॉट्स, ये कोई हमारी फार्म हाउस की पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है और जो हाई एंड अपार्टमेंट्स हैं उनकी ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन निकल के सामने आने वाली है। जी तो चलिए, मतलब प्रदीप के मुताबिक तो इसे फार्म हाउस पॉलिसी ही नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब उसका पूरा खाका ही बदल दिया गया है। और अब शायद दिल्ली की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ रहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें यहीं लग्जरी और जो वो चाहते हैं वो दिया जाए, वो बाहर जो बड़े बड़े बिल्डर प्लॉट ला रहे थे, पेंट हाउसेज ले रहे थे, वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे हॉट, कहीं जाइएगा मत।